नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज इस मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। बग्गा की गिरफ्तारी और फिर तीन राज्यों की पुलिस के बीच तनातनी का मामला अब मंगलवार 10 मई को सुनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। आवासीय ऋण देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी मानक उधारी दर में शनिवार को 0.30% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे उसके मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। HDFC ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो दर में की गई 0.40% की वृद्धि के बाद उठाई है। इससे पहले ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य ऋणदाता संस्थान भी दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजीरा बैनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने से इनकार करने के लिए ईडी ने आवेदन पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजीरा बैनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा जारी नोटिस को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बता दें कि समिति ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसको जाति प्रमाण पत्र जब्त किए जाए, और मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने इस साल 29 अप्रैल को वानखेड़े को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि शिकायतों और दस्तावेजों के अवलोकन में साबित होता है कि वो मुस्लिम धर्म से है। COVID-19 से बचाव के लिए चल रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को आंकड़ा 190 करोड़ के पार हो गया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को दी है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 3.01 करोड़ से अधिक बच्चों को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार को घरेलू रसोई गैस की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस देनी चाहिए। सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम को साल 2014 के समय रही कीमत के बराबर लाना चाहिए। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की खबर आने के बाद यह दावा भी किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम में 585 रुपए की बढ़ोतरी की है। सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि भाजपा मालामाल, जनता बेहाल। भारत में एक दिन में COVID-19 के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,98,443 पर पहुंच गई है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20,303 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 22 और मरीजों के संक्रमण से जान गंवाने के कारण मृतकों की कुल संख्या 5,24,024 हो गई है। जिन मरीजों ने बीते 24 घंटे में जान गंवाई है, उनमें से 20 की जान केरल में ही गई है। अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा को बुधवार को जमानत मिल गई थी। आज छाती, गर्दन और शरीर में कई हिस्सों में दर्द, स्पाइनलाइटिस की शिकायत के बाद नवनीत राणा का मुंबई के लीलावती अस्पताल में MRI स्कैन करने के साथ ही पूरा मेडिकल चेकअप किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर मीटअप के बारे में पूछे जाने पर BCCI प्रमुख गांगुली ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो अमित शाह को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। रात्रि भोज बेहद ही करीबी पारिवारिक मामला था, जब गांगुली के अलावा उनकी पत्नी डोना मौजूद रही। जनरल साइबर साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग का सुझाव है कि सोशल मीडिया से सिर्फ एक हफ्ते की दूरी से बहुत बदलाव होंगे। सोशल मीडिया से कुछ दिनों की छुट्टी से व्यक्तियों के समग्र स्तर में सुधार हुआ है, साथ ही साथ अवसाद और चिंता के लक्षणों में कमी आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की हालत नाजुक बनी हुई है। बीते बुधवार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनका हालचाल जानने मंडी के जोनल अस्पताल पहुंचे, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि 4 मई को पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आने के आसार है। इस तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर अगले सप्ताह की शुरुआत तक पहुंचने की आशंका जताई गई है, जिसके मद्देनजर उड़ीसा में चेतावनी जारी की गई है। समुद्री तूफान के आने से पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है।
चीन के शंघाई में कोरोना का बुरा हाल है। यहां हालात अब तक कंट्रोल नहीं में हो सके हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शंघाई के कॉलेज और सीनियर हाई स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षाओं को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 345 नए मामले सामने आए हैं। इन 345 मामलों में से 253 केस सिर्फ शंघाई से हैं। यह रिपोर्ट चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। श्रीलंका की इकोनॉमी का बुरा हाल है। देश भर में लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले को लेकर गोटाबाया राजपक्षे ने पीएम महिंद्रा राजपक्षे से बात की है। गहराते आर्थिक संकट के कारण गोटाबाया ने महिंद्रा से पद छोड़ने की अपील की है। फरहान अख्तर बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर और डायरेक्टर हैं, लेकिन अब फरहान हॉलीवुड में भी अपना कमाल करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो एमएस मार्वल की अपकमिंग वेब सीरीज में काम करने वाले हैं। दरअसल शुक्रवार को डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान को एमएस मार्वल की फिल्म के लिए कास्ट किया गया है। हालांकि उनके रोल को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। फरहान ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, शुक्रगुजार हूं कि यूनिवर्स ने मुझे ग्रो करने के लिए यह बड़ा मौका दिया है। इस केस में मुझे काम करने में मजा आएगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। एससी की बेंच ने कहा है कि संबंधित स्थानीय निकाय के संबंध में 11 मार्च 2022 से पहले के परिसीमन को पहले से विलंबित चुनाव के संचालन और उसी के आधार पर ऐसे प्रत्येक स्थानीय निकाय के संबंध में काल्पनिक परिसीमन के रूप में लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई है और इसे लेकर बहस तेज है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हजारों सुरीले गीतों को आवाज दे चुके अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि भारत में इस तरह से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज से बातचीत में अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर गई हूं, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा जैसा कि भारत में होता है। देश के कई हिस्सों में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। लू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और लू भरे दिन फिर से लौट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर यूपी बिहार समेत कई राज्यों में 7-8 मई को तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। इस दौरान हीटवेव भी अपना कहर दिखाएगा। राजस्थान में 7-9 मई के बीच लू का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं 8-9 मई को हरियाणा दिल्ली पश्चिम यूपी एमपी और महाराष्ट्र में तापमान के बढ़ने के अनुमान है। साथ ही लू से भी 2-4 होना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन कब्जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर शुक्रवार को नाराजगी जताई और इसे न्याय के साथ मजाक करार दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने कहा है कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वो 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। उन्हें एक मामले को छोड़कर सभी मामलों काफी पहले जमानत मिल चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 36,000 पहियों का ऑर्डर खटाई में पड़ने की बात से सरकार 75 वंदे भारत ट्रेन को 75 हफ्तों के भीतर चलाने में अपने फैसले पर अड़िग है। इसके लिए सरकार ने 128 पहियों को बेंगलुरु स्थित फैक्ट्री में बनाने का फैसला किया है। वहीं रोमानिया के रास्ते 128 पहिए 2 हफ्ते के भीतर चेन्नई पहुंच जाएंगे। इससे मई अंत तक 2 वंदे भारत के ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा कम उम्र में होने वाले विवाह के संबंध में 2019 से 21 के बीच किए गए ताजा सर्वेक्षण में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 के दौरान 18 से 29 साल उम्र की विवाहित महिलाओं में से 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह भारत में कानूनी रूप से तय विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से पहले हुआ। पूरे उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के भी कई हिस्सों में एक तरफ गर्मी चरम पर है तो दूसरी तरफ देश गहरे बिजली संकट से जूझ रहा है। ऐसे में गहरे बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार आपातकालीन प्रावधान लागू कर रही है। केंद्र सरकार इस कड़ी में कोयला आयात से लेकर घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की कवायद में लगी है। तेलंगाना के वारंगल में किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के क्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीआरएस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि तेलंगाना में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री है, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ये राजा है। राजा और मुख्यमंत्री में क्या फर्क होता है। देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को एक और अचूक हथियार मिलने वाला है। दुश्मन के नापाक इरादों को पूरा करने से रोकने के लिए अपनी क्षमताओं में इजाफा करने के लिहाज से भारतीय सेना को एक प्रमुख मेक इन इंडिया समाधान मिलने वाला है। दरअसल सेना ने स्वदेश निर्मित आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति हो या फिर समृद्धि हो या फिर वैश्विक चुनौतियां, उससे जुड़ा समाधान आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण के एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
खान सचिव पूजा सिंघल और उसके कारोबारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में सुबह सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे, साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई। 16 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची के हनुमान नगर आवास से 19.31 करोड़ कैश मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप से बड़ी तबाही देखने को मिली है। 5.2 की तीव्रता के भूकंप से खुजदार जिले में कम से कम 80 घर ढह गए, जिससे 200 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। खानक डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र और नाजी के पास था। भूकंप के झटके शुक्रवार सुबह 11:55 पर महसूस किए गए। मुंबई में लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मुंबई के बांद्रा में सांताक्रूज इलाके में दो मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल सुबह 6:00 के और रात 10:00 तक स्पीकर अगर कोई बजाता है तो उस तय किए गए डेसिबल के नियमों का पालन करना जरूरी है। शादियों का सीजन होता है तो मेहमान दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट ले जाना नहीं भूलते। हर मेहमान अपनी हैसियत के मुताबिक नए जोड़े को गिफ्ट देता है, लेकिन अमेरिका में आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। यहां दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में गिफ्ट नहीं मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं पैसों की। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल हम सभी को पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में ही आतंक मचा रखा है। लॉकडाउन लगने के बाद से लोगों की हालत खस्ता हो गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, इनके नाम है मुदस्सिर रजा, विकास बिहारी, सोनाली सिन्हा, शंकर मुखिया, सलीम भाई, मोहन कुमार, ध्रुव कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमन कुमार, सौरभ मिश्रा, निकिता कुमारी, बिट्टू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में हुई बारिश से आपको राहत मिली है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।